हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज हम ड्रॉ करने वाले हैं नयनतारा मैम का ये वाला स्केच। ये पिक बहुत ही मुझे अच्छी लगी, बहुत ही इसमें हाइलाइट्स है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। और जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो बहुत ही अच्छा स्केच इसे ड्रॉ होने वाला है। तो आज हम इसकी सिर्फ आउटलाइन को ड्रॉ करना बताऊंगा। तो ये पिक मैंने लिया था स्पेस से, तो ये का इंस्टाग्राम पर अकाउंट है। मैं इस जो भी रेफरेंस पिक होती है वो वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। बहुत ही अच्छी पिक होती है रेफरेंस पिक, अगर आपको ड्रॉ करनी तो आप जाकर देख लो। वरना मैं जो स्केच की आउटलाइन या कुछ अपने से इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता हूँ तो उसमें मैं बिगिनर्स के लिए भी रेफरेंस पिक पोस्ट करता हूँ। तो मैंने आप अगर आपको देखना है कि मैंने किस तरह से इसके आउटलाइन को ड्रॉ किया तो आप पूरी वीडियो देखो मैंने किस तरह से ड्रॉ किया है। और अगर आपको पूरी पिक देखनी है तो मैंने मेरे इंस्टाग्राम पर अपलोड किए हुए, आप वहाँ जाकर देख लो कि आउटलाइन की पिक मैंने किस तरह से ड्रॉ की है। और ये जो आउटलाइन भी आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी और इसकी रेफरेंस पिक भी मिलेगी। इस पिक की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, कलर वाली, ब्लैक एंड वाइट वाली, तो आप देख लेना। चलो शुरू करते हैं आउटलाइन को ड्रॉ करना। तो आई से स्टार्ट करेंगे हम, एकदम फ्री हैंड मेथड से ड्रॉ करेंगे पूरी आउटलाइन को। तो पहले तो आप देख लो कि मैंने इसमें आइवरी का पेपर यूज़ किया है, A4 साइज़ का, 210 GSM वाला। मैं अब तक यही पेपर यूज़ किया है इसलिए मुझे ज़्यादा पेपर्स के बारे में पता नहीं है कि कौन सा ज़्यादा स्मूथ है, लेकिन मैंने अब तक ये यूज़ किया है तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आप भी अगर एक बिगिनर हो तो आप भी ये वाला पेपर यूज़ करो, ज़्यादा नहीं है। 100 रुपीज़ में आपको 20 to 25 शीट्स मिल जाएंगी। इसमें लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आइवरी का A4 साइज़ का, 210 GSM वाला। तो चलो आउटलाइन को ड्रॉ करते। तो मैंने इसके लिए HB पेंसिल का यूज़ किया है, मैकेनिकल पेंसिल 0.5 वाली। आपको फ्री हैंड मेथड में ड्रॉ करना है, मतलब सिर्फ पेपर और रेफरेंस पिक, बाकी कुछ भी मेथड का यूज़ नहीं करना है। तो इसके लिए आपको फ्री हैंड मेथड में ड्रॉ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह से ड्रॉ करना है, किस तरह से पूरा फेस इतने पेपर पर कहाँ पे ड्रॉ करना है कि पूरा फेस बैठ जाए इतने पेपर पर। आईज़ कितनी बड़ी रखनी है, नोज़ कितना बड़ा रखना है। नहीं तो आप क्या करते हो कि एक आईज़ बहुत अच्छे से ड्रॉ करते हो और दूसरी आई ड्रॉ करते हो तो वो बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है, या फिर ज़्यादा डिस्टेंस में होती है। एकदम आपको एग्जैक्ट ड्रॉ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। एक अंदाजे से ड्रॉ करना होता है इसमें, मैं देख रहे हो आप कि कोई भी मेथड का यूज़ नहीं किया है मैंने, सिर्फ पेपर है और डायरेक्ट पेंसिल से ड्रॉ करना चालू कर दिया। बाद में आपको शेडिंग का पार्ट भी बताऊँगा कि किस तरह से हम फेस की शेडिंग करने वाले हैं। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि मेरे हर स्केच की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस तरह मैं ड्राइंग के ट्यूटोरियल्स लाता रहता हूँ तो आपको भी ड्रॉ करने के लिए हेल्प मिलेगी मेरी वीडियोस से। आपके कुछ डाउट्स हो, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर DM करो। अभी आप देख रहे होंगे कि मोबाइल में जो मैं दिख रहा हूँ वो आपको पूरा आइज ब्लैक दिख रही है, लेकिन इतनी ब्लैक नहीं है आपको मोबाइल में दिख रहे हो, मतलब कैमरे में वैसी आ रही है। अगर आप रेफरेंस पिक देखोगे तो वैसी वाली नहीं है, लेकिन एक पार्ट जो एक साइड है इसकी थोड़ी डार्क है और दूसरी साइड थोड़ी ग्लोइंग है हाइलाइट्स इसमें, तो ये बहुत ही अच्छे लगेगा ये वाला स्केच। मैं हमेशा इस तरह की पिक्स सेलेक्ट करता हूँ, मुझे अच्छी लगती है। एक हाइलाइट्स होते हैं उसमें, डार्कनेस होती है तो रियलिस्टिक स्केचेस लगते, नहीं तो पूरा अगर फेस आप ग्लोइंग ले लोगे तो बहुत ही लाइटली शेडिंग करना होगा आपको और इतने ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा नहीं वो वाला स्केच। तो अगर आपको सीखने हैं स्केचेस किस तरह से ड्रॉ करते हैं, पूरा एकदम रियलिस्टिक स्केचेस किस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो ये वाला वीडियो देखो। और इसके बाद में फेस की शेडिंग के पूरे हेयर्स किस तरह से ड्रॉ करते हैं, कौन सी पेंसिल यूज़ करनी है, कौन से मटेरियल से किस तरह से ब्लेंडिंग करनी है, शेडिंग करनी है, तो ये सब मैं आपको शेडिंग के पार्ट में बताऊँगा। तो अगर आप आउटलाइन को ड्रॉ कर लेते हो एक्साइटमेंट में पूरा स्केच ड्रॉ मत कर लेना, पहले किस तरह से मैं ड्रॉ करता हूँ वो वाली इस वीडियो देख लो, बाद में आप ड्रॉ करो। बस स्केच स्टार्ट कर दिया तो मैं जानता हूँ कितनी एक्साइटमेंट होती है उसे ड्रॉ करने के लिए, किस तरह से उसे अच्छा ड्रॉ करें हमेशा दिमाग में रहता है अगर आप आर्ट को लेकर पैशनेट हो तो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना है, आपके लाइक से कुछ नहीं होगा लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है सच में। Bye.
Bye.